गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16। 15 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 16 आपका अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बहुत ही इजी चैप्टर है, फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले इसमें देखो एक नाम आया है आयतन और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो अपन आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ते आए हैं, साथ में एक नाम और जोड़ दिया इसमें आयतन। तो यहां पर इसमें देखो ये चैप्टर है, उसके लिए सबसे पहले आपको फोर्स के बारे में जानना। फोर्स है क्या होता है? सॉलिड। फोर्स मतलब कठोर। प्रकृति के अंदर ऐसी वस्तुएं जिनकी तीन भुजाएं, जिनकी तीन भुजाएं हो, तीन भुजा का मतलब उसकी लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स आकृति बोलते हैं। फोर्स आकृति मिला जैसे ईंट, डस्टर, माचिस, इस प्रकार की जो आकृतियां आती हैं वो ठोस के अंदर मानी जाती है। मतलब इसकी क्या होनी चाहिए? लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए और ऊंचाई भी। इन आकृतियों को क्या बोलते हैं? वो ठोस। अब यहां पर आगे अपने पास है ठोस के बारे में आपको जान चल गया, इसकी लंबाई थोड़ा ऊंची। एक होता है आयतन, आयतन किसी ठोस के द्वारा, मतलब जो ठोस आकृतियां है उनके द्वारा घिरा गया स्थान। ठोस आकृतियों के द्वारा घिरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन है कहलाता। ठोस आकृतियों के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन। क्षेत्रफल आप जानते हो, पूरे पृष्ठ को पूरा भाग होता है उसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पिछले चैप्टर में अपने वर्त का क्षेत्रफल पढ़ा था, लघु त्रिज्याखंड, वर्तखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ वर्तखंड, एग्जाम की लंबाई इस प्रकार से अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। संभव त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आया था उसमें, आयत का भी आया था, वर्ग का क्षेत्रफल भी आया था। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। अब यहाँ पर अपने पास है नया टॉपिक जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए ठोस। ठोस का मतलब होता है अंतरिक्ष में या पृथ्वी पर वे वस्तुएं जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या कहलाती है? ठोस आकृतियां कहलाती है। आयतन का मतलब होता है ठोस आकृतियों द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे अब ये दृष्टि है, इस दृष्टि के द्वारा बोर्ड पर घेरा गया स्थान, तो इसका क्या निकालेंगे? उन्होंने आयतन निकालेंगे। अब इसके बाद में आगे देखो इसके अंदर क्या आता है। सबसे पहला टॉपिक आता है अपने घन। दूसरा आएगा इसके साथ में घनाभ, घन और घनाभ। इससे आप समझोगे वर्गाकार आकृतियों द्वारा बनता है। वर्गाकार आकृति द्वारा ये क्या होता है? आयताकार आकृति। जैसे ये एक वर्ग, वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण न बटे। अब यहां पर इसके ऊपर एक दूसरा वर्ग और इसी नाम बना दिया और इनके इस भागों को मिला दिया, तो ये बन गया अपना
घन। अगर आयताकार दृश्य आकृति है, इसके एग्जाम्पल भी हम हैं, जैसे ये आयत, अब इसमें एक ऐसा ही एक आयताकार आकृति और बना, और जैसे घन में मिलाया है उसी के अनुरूप इसको मिला दिया, तो ये हो गया अपना घनाभ। ये क्या हो गया? घनाभ। ये क्या है? घन। अब देखो घन का निर्माण है वर्गाकार आकृति के द्वारा, घनाभ का निर्माण है आयताकार आकृति के द्वारा। दोनों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ठोस आकृति के बारे में पढ़ेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों ही होती है। तो आयत के अंदर का लंबाई चौड़ाई का मान अलग अलग होता है, लंबाई और चौड़ाई का मान, जैसे कि कोई एक आयताकार है डिब्बा है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 है। लेकिन अगर यही डिब्बा इस माप का बोलते हैं अपन, जैसे ये 8 है, ये 8, तो ये भी 8 है, ये भी 8, सभी भुजाएं समान है, तब इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। और इसको क्या बोलेंगे? आयत। देखो आयत के अंदर तो मान अलग अलग लंबाई चौड़ाई का, और वर्ग के अंदर लंबाई चौड़ाई से का मान क्या हो रहा है? उनके पास समान हो रहा है। अब इनका पढ़ेंगे और तो पहला फॉर्मूला करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? 6 × भुजा का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा का स्क्वायर। अब यहां पर बुक में अपने लिखा होगा शायद इस प्रकार से लिखा होगा 6 × L का स्क्वायर या 6L स्क्वायर। L का मतलब ऊंचाई है। घन कौन से आकृति से बनता है? वर्गाकार से। वर्ग का मतलब उसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब का मान क्या होगा? समान में। तो यहां पर घन में लिखता हूं लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों बराबर होंगी। और इसमें तीनों ही मान क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तीनों ही मान क्या होंगे? अलग अलग। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 × भुजा का स्क्वायर या 6L स्क्वायर। उसके बाद आता है दो नंबर घन के बारे में, घन का आयतन। घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब या फिर एल का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब या फिर एल क्यूब। तीसरा होता है विकिरण। तीसरा क्या है? तीन नंबर होता है घन का विकिरण। घन का विकिरण होता है √3 × भुजा, √3 × भुजा या L√3। ये तो अपने पास तीनों ही फॉर्मूले किसके हैं? घन के। तीनों ही किसके हैं? घन के। अब आपको यहां पर है घनाभ के, घनाभ के इसी प्रकार से फॉर्मूले बनाएंगे अपन, उसके बाद में इनके कुछ क्वेश्चन भी है वो भी करेंगे। देखिए पहले फॉर्मूले अगर आप इस पूरी प्रश्न माध्यम में 4-5 आकृतियां दी है, कौन कौन सी आकृतियां दे? देखो एक नंबर पर दी थी घन, दो नंबर पर दिया है घनाभ, तीन नंबर पर दिया बेटा बेलन, और 4 नंबर पर दिया है शंकु, 5 नंबर पर दिया है अपने को गोला, और 6 नंबर पर दिया है अर्धगोला। अब यहां पर बेलन के अंदर भी है, एक तो बेलन की आकृति लगी, एक खोखला बेलन, खोखला बेलन। अब इन सभी के अंदर आप इनके फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो लगभग लगभग पूरी प्रश्न माला में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। बहुत इजी प्रश्न माला है, लेकिन आपको इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखना है कि नाम यहाँ पर क्या दिया, घन दिया है या फिर घनाभ दिया, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो
आगे इसमें देखो घन के बारे में क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पंडा क्या है, 6 × भुजा का। अब ये तो 6 प्रकार की आकृतियां जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते रहेंगे उनका वर्णन है। पहले इसमें देखो भाई 4 नंबर अपने पास घन के बारे में तो पढ़ लिया, अब यहाँ पर एक इसमें चाहे घन की आकृति हो या फिर घनाभ या इन दोनों में एक बात आपको और याद रखनी है, वो बात क्या बेटा, वो है अपने पास है इनमें 6 पुलक होते हैं, 6 पुलक का मतलब ये बात 1, 2, 3, 4, 5 और एक इसके दशे इसके नीचे उसको बोलते हैं 6 पुलक। 6 पुलक 8 शीर्ष और 12 और या इसको बोलते हैं किनारे, 12 कोर या बात कोर या किनारे, 12 कोर या किनारे। तो इनको ध्यान रखना है चाहे घनो चाहे घन, 6 फलक 8 शीर्ष। अब 8 शीर्ष आपको कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 कितने हो गए 8 और 6 फलक 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक होते हैं। अब यहां पर अपने को दिखाई इसमें कितने दे रहे हैं, 5 भी दे रहे हैं, एक सामने वाला एक नीचे वाला 2, 1 ये 3, 1 4, 1 5 जस्ट पीछे वाला को अपने को दिखाई नहीं, क्योंकि अपनी थ्री डायमेंशन होती है प्रकृति के अंदर 3 दृष्टि, तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है, 3D में बोलते हैं। यहाँ पर होता है वाई एक्स और इसको बोलते हैं 3D में आकृति, और अपने सिलेबस में केवल 2D या द्विविमीय ज्यामिति तक ही सीमित है, तो इसको आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है अलग शीर्ष और कोर इनके बारे में ध्यान रखना चाहे अनो चाहे लाभ। अब कहेंगे सर घन की आकृतियां, अब घन की आकृतियां आप अपने घर में भी देख सकते हो या फिर घनाभ की आकृतियां जैसे ईंट माचिस की डिब्बी डस्टर इस प्रकार की जो आकृतियां होती है वो क्या होती है बुके, तो इनको क्या कहते हैं चौक का डब्बा। अब ये सब क्या है घन और घनाभ के एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पर घन के बारे में तो तीनों कोरों ने पढ़ लिए, घन के बारे में फलक शेष कोर भी पढ़ लिया, घनाभ के बारे में फलक शेष कोर पढ़ लिया, लेकिन घनाभ जैसे घन के 3 फॉर्मूले अच्छी रूप में क्या है घनाभ के भी क्या है 3 फॉर्मूले हैं। तो पहला लिखोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र लिखो बेटा 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 2 × लंबाई को एल से लिखते हैं प्लस चौड़ाई को बी से सॉरी गुणा बी से प्लस चौड़ाई को बी से ऊंचाई को एच से प्लस एच गुणा एल, ये भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अब आगे इसमें आगे वाला फॉर्मूला क्या होगा नंबर 5 नंबर होगा बेटा अपना घनाभ का आयतन, जैसे घन का आयतन उसी के अनुरूप क्या होगा घनाभ का भी आयतन होगा, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या इसको बोलते हैं LVH। ये क्या होता है घनाभ का आयतन। अब 6 नंबर है अपना घनाभ का विज्ञान,
और घनाभ का वीकेंड के अंदर देखो वीकेंड होता है एंड रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर आप इसमें इस प्रकार से लिखो तो भी सही है, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ध्यान से पढ़ो इस चैप्टर को, एक इजी चैप्टर है, प्रत्येक क्वेश्चन आप स्वयं निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर में आप स्वयं ही निकालो। नहीं आ रहा है जैसे प्रश्न वाला में मैं वैसे क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में रख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है वो आप स्वयं निकालो, बुक ले लो अभी बुक लेकर स्वयं निकाल आपका वीकेंड लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। ये तो होगी घन और घनाभ की बात। अब इसमें घनाभ में जो आकृति आती है उसमें भी कमरे की भी आकृति आती है। अब कमरे का क्षेत्रफल बेटा अलग से इसमें निकालना होता है, उसका भी मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो इनको फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से रखना, जैसे घन का समूह पृष्ठीय क्षेत्रफल छह गुणा भुजा का स्क्वायर, आयतन भुजा की क्यूब, विकर्ण एंड रूट तीन गुणा भुजा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, दो से पहले इसको बार गुणा करना है। आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, विकर्ण है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर पर अंडर रूट लगाना। ये तो होगी घन और घनाभ के बारे में। अब घन में जैसे छह फल है कि आठ शीर्ष बारह गोल होते हैं, उसी के अनुरूप घनाभ में भी छह फल है आठ शीर्ष और बारह किनारे होते हैं। आकृति दोनों उद्देश्य है, एक बनती है आयत से दूसरी बन रही है वर्गाकार भाग से। एक फॉर्मूला आपने और सात नंबर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला का दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या इसको लिखोगे दो गुणा ए प्लस बी गुणा एच। ये क्या है कमरे की चारों दीवारों का, जैसे कोई ये अपना कमरा है और इस कमरे की चारों दीवारों का केवल दीवारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करना हो तब आप इसमें किस प्रकार से याद करते हो, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दो से इसलिए गुणा क्या है कि अपने पास सिर्फ लंबाई की दो दीवार है चौड़ाई की भी दो दीवार है लेकिन ऊंचाई तो सभी के अंदर क्या है एक समान है, तब ऊंचाई को पहले इनका गुणा करोगे और गुणा में ऊंचाई लिखोगे। आगे देखो इसमें ऊंचाई एक बार सम्मिलित होगी, लंबाई और चौड़ाई क्या होगी दो बार होगी। अब जैसे इसके क्वेश्चन है अपने पास है, सात फॉर्मूले मैंने बता दिए घन और घनाभ के अंदर, घन घनाभ इसमें केवल ये सात फॉर्मूले आपको याद रखने, इन्हीं से में से आपसे क्वेश्चन है पूछा जाता है। अब जैसे मैं चैप्टर लेता हूं अपना, आगे वाली जो आकृति आएगी उसके फॉर्मूले बाद में जैसे ही आकृति आएगी उसके उसी टाइम में मैं लिखा दूं आपको। अब अपने पास है चैप्टर 16.1, उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है 9 सेंटीमीटर चौड़ा है 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। 12 9 5
जैसे पहला क्वेश्चन है एक गनाब 12 सेंटीमीटर लंबा 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं या संपूर्ण क्षेत्रफल आयतन और विकिरण ज्ञात कीजिए। अब यहां पर किसने सीधा नाम दे दिया गनाब, सीधा नाम दे दिया गनाब। कई प्रश्नों में क्या है, जैसे अपने को इसमें देखा एक दीवार है उसकी लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है। अब ये दीवार आपको देखनी है, जैसे दीवार है तो वो क्या होगी आयताकार होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान अगर अलग अलग देगा तो क्या वो आयताकार है और आयताकार का मतलब आयतन किसमें जा रही है फिर गनाब। अगर उसका मान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान समान है तब वो आकृति किसमें जाएगी बेटा घन की जाएगी। जैसे ये ध्यान रखना इसमें घन गनाब और घन में अंतर वहीं से आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर इसमें कह दिया गनाब का लंबाई को इसने दे दी 12 चौड़ाई 9 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसने पूछा है आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा इसने पूछ लिया इसी में आयतन और तीसरा पूछा है विकिरण। अब जैसे आपको अगर गुरुकुल में याद रहता है तो बहुत ही आसान तरीके से आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला आया अपने पास है गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो लिखा था ना, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रखो 2 गुणा लंबाई का मान कितना है 12, चौड़ाई का मान है 9 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12, इसको सॉल्व करो बेटा 2 गुणा 12 को 9 से गुणा किया 108 प्लस 2 पंजो 45, 12 पंजो 60। अब यहां पे इसका योग किया तो कितना आता है वो चेक करो, 60 45 105 और 108, 105 और 108 213। यहां पर अपने पास 2 गुणा 213, 5 8 13, 6 4 10 11 असल और 11 लेके 12 तो वो अधो। यहां पर इसका मान कितना गया 6 2 और 4, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है उसमें वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर लिख दो, ये यहां से पता चलेगा आपको सेंटीमीटर या फिर मीटर। अब दूसरा आपसे निकाला इसमें किसका है, गनाब का आयतन, गनाब का आयतन क्या होता है याद रखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मान रखा बेटा 12 गुणा 9 गुणा 5। अब यहां पर देखो इसको गुणा करो 12 पंजो 60, 12 पंजो 60 और 60 को 9 से गुणा करना है आपको, 9 छक्के 54 कितना जाएगा 540 से सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर कितना है घन सेमी या फिर सेंटीमीटर क्यूब, घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना आपको।
इकाई यहां पर अगर आपसे आयतन का नाम दिया है तो आपको लगाना है घन या घन, मीटर घन सेंटीमीटर, और अगर क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा आपसे लिखवा है इसमें नाभ का विकर्ण, नाभ का विकर्ण ये क्या होता है, रूट के अंदर लिखा था मैंने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका मान कितना आता है, एल का मतलब 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसको जब सोल्व किया तो यहां पर देखो विकर्ण 144, 81 और 5 का 25। अब इनका योग कर लो आप, 5 6 4 10 एक हो गया, असल की 2 8 10 11 11 4 15 को असल की 1 250 कितने हो गए समाने, सॉरी 250 179 170 250 विकर्ण, ये क्या आ गया। अब इसको और तोड़ के लिखोगे तब क्या लिख सकते हो, 25 × 10, 25 का मान निश्चित होता है कितना, 5√10, 5√10। अब विकर्ण है तो यहां पर केवल सेंटीमीटर की लगा, ये इसमें ध्यान रखना। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आप निकालोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन यहां पर मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो सातों ही फॉर्मूले अगर आपको याद रह जाते हैं तब आपको इसमें आसानी रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन को आप उसमें सोल्व कर सकते हो। तो 16.1 के जो और क्वेश्चन है वो आप इसके सोल्व करके देखना, अगर नहीं आए तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी जरूर बताऊंगा। आगे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें, अलग अलग प्रकार के, जैसे नाम दे दिया आकृति में उसके अकॉर्डिंग अलग क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे एक घन का क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन अपना 3 घनों की भुजाएं, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, इन्हें मतलब इन तीनों को पिघला करें, इन्हें पिघला करें, एक नया घन बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इन्हें पिघला करें, एक नया घन जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। अब देखो डायसमी, 3 घन, पहले की भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6, तीसरे की 1, और नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप जानते हो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की क्यूब, लेकिन अपने को तो नए घन का पूछा है, अब नए घन के लिए क्या होगी, भुजा भी अलग होगी फिर। अब ये तो जो 3 दिए गए घन है उनकी भुजाएं, तीन दिए गए घन है उनकी
बुझाएं। अब इन तीनों घनों की सॉरी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र मैंने ये लिख दिया भुजा के लिए 6 गुना भुजा का स्क्वायर आयतन 6 गुना घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब नए घन की पहले आपको क्या निकालनी होगी भुजा निकालनी होगी। अब भुजा निकालने के लिए इन तीनों को पिघलाकर एक साथ तो अपन क्या करेंगे तीनों घन का आयतन क्या करेंगे आयतन सम्मिलित करता है आयतन होता है भुजा की क्यूब। अब तीनों का मतलब ये नया घन हो गया नया आयतन हो गया नए घन का आयतन नए घन का आयतन दिए गए घनों के आयतन। अब दिए गए घन तीन जगह की हो गए भुजा का क्यूब 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 8 का क्यूब कितना 512 प्लस 6 का 216 प्लस 1 को ये अब देखो 500 200 700 728 729 आयतन है आयतन होता है भुजा की क्यूब तो यहां पर लिखेंगे भुजा की क्यूब इधर भी भुजा की क्यूब और इधर भी भुजा की क्यूब क्यों ये तो नए का है और ये दिए गए हैं भुजा की क्यूब बराबर भुजा बराबर है यहां पर गुणन हो जाएगा इसका 3729 किसका मान होता है ये 729 729 होता है बेटा 9 का किसका होता है 9 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा क्या गई नए घन की भुजा 9 सेंटीमीटर आयतन। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र निकालना है 6 गुणा 9 का स्क्वायर 6 गुणा 9 का स्क्वायर इतना 81 648 सेंटीमीटर क्षेत्र भुजा है सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहे नए घन का आयतन नए घन का आयतन कितना आएगा क्योंकि भुजा क्या है 9। अब इन्हीं को तो पिघलाया था ना तीनों को पिघलाया था तो तीनों को पिघलाने के लिए इन तीन से पिघलाएगी जो आप करती है उनसे एक नया घन बनाना है। अब नया घन बनाने के लिए भुजा का मान थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन मान तो आयतन तो इनके बराबर ही आएगा उसका तो ये इसका क्षेत्र अलग लगाता है आयतन अलग आता है। अब इन तीनों का अलग अलग क्षेत्र पर पूछता है तब आप यहाँ रखते हो 6 गुणा 8 का स्क्वायर 6 गुणा 6 का स्क्वायर 6 गुणा 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करके देखना और जो नहीं आए वो मैं बताऊंगा साथ साथ में बताता चल रहा हूँ जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको। धन्यवाद।